हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये यूडेंसो रिंग लाइट और स्टैंड की। तो ये मुझे कल रिसीव हुआ है और इस रेंज में मेरे को ये नियरली 1600 रुपीज़ का पड़ा हुआ है और इस रेंज में काफ़ी सारे रिंग लाइट्स अवेलेबल हैं। मुझे भी बहुत नेट पर सर्च करना पड़ा, उसके बाद मैं एक इसको फाइनल किया मैंने अपने लिए। और मैंने सोचा कि उसकी अनबॉक्सिंग करी जाए ताकि बाकी लोग, अगर ये अच्छा निकलता है तो इसको एक अच्छा ऑप्शन बना के आपकी सर्च इजी हो जाएगी। और खोल के देखते हैं अंदर से कैसी आई है। अगर ये रेकमेंड करने लायक है तो डेफिनेटली वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन पक्का शेयर करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली ओपन दिस यूडेंसो रिंग लाइट एंड स्टैंड। सो फ्रेंड्स, लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। पहले ये बबल रैप हटाते हैं इसका, इसे स्टैंड को अलग करते हैं और हम लोग पहले देखने जा रहे हैं कि ये रिंग लाइट कैसी आ रही है। पैकेजिंग ठीक ठाक है, नो कंप्लेंट्स। और फटाफट से इसको ओपन करके देखते हैं। पूरी बबल रैपिंग है, मैं इसको फास्ट कर देता हूँ वीडियो को ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। अच्छी रैपिंग तो करी है इन्होंने, आई होप कि अंदर से एलईडी भी सेफ रहे। ओके, फाइनली दर्शन हो गए हैं हमें एलईडी के। पैकिंग प्रॉब्लम है बट हैप्पी टू सी इतनी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है कि आपके प्रोडक्ट को सेफ रखे। तो ये फाइनली दर्शन हो रहे हैं हमें हमारी एलईडी रिंग लाइट के। तो ये है हमारा प्रोडक्ट एलईडी रिंग लाइट फिल लाइट। सो इसमें इन्होंने तीन मोड बता रखे हैं, पिंक, ब्लैक, वाइट। आई डो नॉट नो ये कलर है या क्या है। और ये इसमें मेंशन किया हुआ है फिल लाइट एंड ब्यूटी फेस, मेक फेस एंड आई इन ब्यूटी, नाइट कोर एक्सट्रीम। ये नाइट कोर की तो स्पेलिंग भी गलत है, चाइना वाले थोड़ा ढंग से लिख लेते। मल्टीपल कलर टेम्परेचर, हालांकि ये इन्होंने मेंशन किया हुआ था और प्रॉपर चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है। बाकी इसको तो मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे चाइना जाना पड़ेगा, फ़िलहाल कोई इच्छा नहीं है। रिंग फिल लाइट ओपन करते हैं, देखें। बड़ी ही अंदर से तो थर्ड क्लास पैकेजिंग है, 10 इंच की है ये। और थोड़ा सेफली निकालते हैं। ओके, ये भी आ गया, अब हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये तो आ गया है अपना रिंग लाइट, बट मैं थोड़ा सा अनहैप्पी हूँ क्योंकि मुझे कहीं मोबाइल होल्डर नहीं दिख रहा है। और अगर मोबाइल होल्डर नहीं आया है तो बड़ी ही मुसीबत होने वाली है। तो साइज़ बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा है क्योंकि 18 इंच का जिसमें मैंने देखे काफ़ी बड़ा होता है, ये 10 इंच का है। बट आई होप कि काम करेगा। और इसके साथ हमें ये मिला है, नीचे स्विच है, थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ उसको। ये प्लस बढ़ाने के लिए, ये शायद कलर रीसेट करने के लिए, ये इंटेंसिटी कम करने के लिए, ये पावर ऑन ऑफ का। द गुड पार्ट इज़ कि ये USB ऑपरेटेड है, माइक्रो USB है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आना चाहिए। और देखते हैं क्या आया है। नीचे इसका नॉब है, ओके, नॉब से कंट्रोल होता है। ये स्टैंड पे लॉक करने के लिए बड़ा ही लूज लग रहा है, आई होप स्टैंड पे खड़ा हो जाए। और अगर आप ये पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे आपका होल्डर का नॉब होना चाहिए। अब इसमें तो नहीं है, देखते हैं कि अगर स्टैंड में हमारा आया होगा तो कुछ टाइम के लिए हम लोग इसको हटा के देखते हैं स्टैंड कैसा आया है। ओह, कुछ तो आवाज़ आ रही है बॉक्स से। तो है बात, ओह लकीली ये भी आ गया जिसकी वजह से मैं नाराज़ हो रहा था। तो फाइनली ये भी स्टैंड मिल गया है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसको देख के।
तो ये फाइनली स्टैंड आ गया है अपना, और ये अपना फिट होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा था हमारे पूरे वीडियो के लिए, एंड आई होप कि ये मुड़ता भी हो। यस, आप इसको टर्न भी कर सकते हैं जैसे मैंने ये टर्न कर दिया है, ये रोटेट होता है। चलिए अपना एलईडी अभी साइड करते हैं और देखते हैं स्टैंड कैसी कंडीशन में आया है। ये क्वालिटी अच्छी है, आई वॉन्ट से कि मैं बहुत ऊंची क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड बट कंपैरेटिवली अच्छी है, इट इज़ नॉट बैड। मतलब आई गिव गुड मार्क्स टू दिस। लेट्स सी कि जलने के बाद कैसी लाइट देती है, वो देखते हैं अभी हम लोग। अब हम लोग अनरैप करते हैं, ये सारी पैकेजिंग में अलग कर देता हूँ। अब लेते हैं हम अपने स्टैंड की, मतलब कि इसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए कंपेयर टू, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने कोशिश करी कि एटलीस्ट 5 फीट से ऊपर का कोई स्टैंड मुझे मिल जाए। तो आई रियली होप कि 5 फीट से ऊपर का स्टैंड निकले। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, फाइनली बबल रैपिंग अच्छी चीज़ है, काफ़ी सेफ रहा इससे। सो देखते हैं, सो ये आ रहा है अपना स्टैंड। काफ़ी कोई मटेरियल नहीं है इसके अंदर, सरप्राइजिंग। सो ये है अपना स्टैंड, अब इसको फटाफट से लगा के भी देखते हैं। तो इसमें है नॉब, तो ये नॉब यूज़ कैसे होगा, इसका तो कोई मैनुअल भी नहीं है। डंडे भी काफ़ी लूज लग रहे हैं, ये तो हिल भी रहे हैं। मतलब एक काफ़ी टाइट है, दो थोड़े से ढीले हैं, और ये नीचे से खुलने वाला लग रहा है स्टैंड। देखिए जरा खोल के, अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे खुलने वाला है। ओके, ऐसे ओके। क्वालिटी थोड़ी सी हल्की लग रही है स्टैंड की, बट अगर हम लोग उसकी टांगों को खोलने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसे खुलेगा। ओ, थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है इसको खोलना, काफ़ी टाइट भी लग रहा है। देखें जरा यहाँ से, मैंने ऊपर से इसका नॉट ढीला किया। ओके, सो इसको खोलने के लिए आपको ये नॉब ढीला करना पड़ेगा। आप इसको ढीला करते हैं तो ये ज़्यादा खुल पाता है। सो मैं इसको कोशिश करता हूँ, तो हम कोशिश करते हैं इसको सेट करने की, कितना खुलता है मुझे। ओके, बेस काफ़ी है इसका, इतना ओपन हो जाता है, आई थिंक इतना बेस सफिशिएंट है। ओके, तो ये वाला स्टैंड ऊपर नीचे हो सकता है इस हिसाब से, तो बेस अच्छा है इसमें। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा कैमरा कभी गिरेगा नहीं एटलीस्ट। अभी ऊपर कितना खुलता है वो देखते हैं, तो ये नॉब इसको थोड़ा टाइट कर देता है, कुछ गिरे ना अपना। तो नॉब ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है बट चलेगा। और इसको हम थोड़ा सा लूज़ करते हैं, तो
मुझे वर्टिकल शॉट लेना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि ये कितना लंबा ओपन होता है। सो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है कि इसकी हाइट बहुत अच्छी है। सो अगर मैं आपको नीचे से कम 6 फुट की हाइट का है ये, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि बाकी स्टैंड भी ऐसे थे जो 4 फिट की हाइट के भी नहीं थे इतना ही पैसा खर्च करके। एंड बिलीव मी, अगर मैं आपको इसकी सेल्फी दिखाऊं तो ये मुझसे लंबा है। मैं कोशिश करता हूं तो आप लोगों को अंदाज़ा देने के लिए कि इसकी हाइट कितनी है, मैं इसके साथ खड़ा हो गया हूं और ये मुझसे लंबा है। मैं 5'7" हाइट का हूं और ये मुझसे लंबा है। सोचिए इसके ऊपर रिंग लाइट लगे तो आपको कितनी हाइट मिलेगी इससे। तो हाइट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ये देख ली तो इट इज़ गुड। सी आई एम जस्ट मूविंग टू माय बैक कैम। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बनाने के लिए मैं इसकी हाइट छोटी कर रहा हूँ और फिर हम लोग देखते हैं इसमें रिंग लाइट ऐड करते हैं क्योंकि हाइट का अपना काम हो चुका है। एटलीस्ट हाइट अपनी अच्छी निकली है इसकी। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ इसकी एंड आई थिंक इसी इस वाली लेंथ पे चेक कर लेते हैं कि रिंग लाइट कैसी लगती है। तो दोस्तों मैंने इसमें रिंग लाइट फिट कर दी है अपनी, अगर आप लोग देख पाएंगे तो ये मेरी इसमें रिंग लाइट फिट हो गई है। मैंने हाइट छोटी कर ली है इसकी ताकि हम लोग वीडियो में इसको देख पाएं। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, लेट्स सी कैसा दिखता है। सो अच्छी बात ये है कि इसके लिए इन्होंने USB दे रखा है तो मैं फटाफट इसको USB पे डाल देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। आई होप ये पावर बैंक से ही चल जाएगा। काफ़ी अच्छी वायर है, काफ़ी अच्छी लंबी वायर है। मैं फटाफट इसको अपने वॉल सॉकेट पे कनेक्ट करके देखता हूँ कि क्या कंडीशन है इसकी। इसमें ब्लू लाइट चलने लगी है। ओह जबरदस्त, मतलब लाइट तो बहुत अच्छी है अगर आप वीडियो में देख पाए तो। बिल्कुल दिन का उजाला कर दिया इसमें। मेरी शक्ल से थोड़ी साफ दिखेगी और ये प्लस माइनस से कुछ बटन्स हैं, देखिए इंटेंसिटी बढ़ाता है और टिक 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 टिक, देखिए इंटेंसिटी कम हो रही है और प्लस से थोड़ी बढ़ रही है, इससे कलर चेंज हुआ। ये डे लाइट है और काफ़ी मेरे को लगता है बिल्कुल सही है। ये येलो लाइट है और इसको शायद पिंक कहते हो क्योंकि तीन ही कलर मेंशन है, तीन के अलावा कुछ है नहीं। वापस डे लाइट आ गई है। तो मेरे टेस्ट सो फ्रेंड्स, अब जो आप ये रिजल्ट देख रहे हैं ये रिंग लाइट का इफेक्ट है और यूजुअली लोग इसे कहते हैं आंखों में रिंग लाइट बनती है। सो आप ये देख सकते हैं एटलीस्ट जो आंखों में रेड लाइट रिंग लाइट जो बनती है वो इसमें तो बन रही है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। और अच्छी बात यह है कि रिंग लाइट की रिफ्लेक्शन भी अच्छी है। बाकी ये जो बटन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ इससे कलर चेंज होता है। अभी आपने शायद नोटिस किया होगा कि येलो आ गया फेस पे। ये डे लाइट है, ये नॉर्मल पिंक चाहिए, पिंक नहीं है। और प्लस माइनस से आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, बढ़ती भी शायद आपको महसूस होगी और इससे कम भी हो सकती है। ये देखिए और काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। टक टक येलो, ये एंड ये एंड एंड इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे कम पसंद आई है इसमें वो रिंग लाइट और जो सेफ्टी स्टैंड को जोड़ता है वो हुक इतना टफ और स्ट्रांग नहीं है जितने बाकी इसमें नॉब हैं। काश वो भी ऐसे होते, बट आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस। तो मेरी तरफ से इट्स अ थम्स अप फॉर दिस। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, जिस हिसाब से पूरे रिव्यूज़ मेरे को मिलते थे और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी उसमें, उस हिसाब से ये बेहतरीन है, बहुत सही है। 1600 रुपये में एटलीस्ट मेरे को अब जाके सेटिस्फेक्शन मिली है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है और मैं इसको रेकमेंड करूँगा, डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। USB से चल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा पावर लेगा नहीं, खींचेगा नहीं। तो अभी जो आउटपुट देख रहे हैं आप ये रिंग लाइट का ही है, आँखों में भी आप यू कैन सी, अगर मैं चश्मा लगाऊँ तो काफ़ी अजीब दिखता है।
कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है चश्मे पे। अगर मैं आपको चश्मे में कलर होते चेंज होते हुए दिखाऊं तो शायद कुछ ज़्यादा ईजी हो जाए चीज़ें। बदला बदला फिर बदला। तो गाइस मेरी तरफ से तो इसको ये जो योडेंसो रिंग लाइट है इसकी तरफ से थम्स अप है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे को अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली आपको उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरी तरफ से यस है तो अब मेरे बाकी वीडियोज़ इसी रिंग लाइट का यूज़ करने वाले हैं। हेलो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप आपको पसंद आया होगा और थोड़ा हेल्पफुल भी रहा होगा एंड अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो हैव अ नाइस डे। बाय।